हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायकाचार्य रसायन विज्ञान। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है संकरण, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप सभी पहले की क्लासों में इस शब्द को पढ़ भी चुके हैं और इस शब्द का मतलब भी जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी डिटेल स्टडी करनी है। तो आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये जो संकरण है, उस संकरण की जो परिघटना है या जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसका प्रतिपादन सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे पॉलिंग, उनके द्वारा किया गया। लास्ट वीडियोज में हम बंध क्या होता है, बंध के प्रकारों की बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने किसी भी सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण किस तरीके से हम देखते हैं, अतिव्यापन क्या होता है, उसकी भी हम बात कर चुके हैं। और हमने बीबीटी के आधार पर या संयोजकता बंध सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, किसने बीबीटी को दिया था, क्या कमियां बीबीटी में रही थी, और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम हाइड्रोजन अणु के लिए तरंग फलन के आधार पर हम किस तरीके से साई टोटल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम किस तरीके से बंध लंबाई और बंध ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में हमने ये देखा था कि उस सिद्धांत ने यह बताया कि कोई भी परमाणु जिसके पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया में या क्रिया में भाग लेते हैं, ये बताया था। तो इस आधार पर यदि हम संकरण पर जाएं, संकरण की परिघटना का प्रतिपादन करने की आवश्यकता क्यों हुई, उसको यदि हम समझने का प्रयास करें, तो देखिए बीबीटी ने बताया कि कोई भी परमाणु है, उसके पास परमाणु कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने की क्रिया में भाग लेते हैं। इस आधार पर यदि मैं बोरोन है या मेरे पास कार्बन है या बेरिलियम है, जो मेरा फोन नंबर पर आता है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका 6 है, इसका 5 है, और यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूं तो 1s2 2s2, ठीक है। यदि मैं इसे भी खोल करके लिखता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2px1 2py0 और 2pz0। ये 2p की फॉर्म इस तरीके से हो सकती है, 2p2 की फॉर्म इस तरीके से हो सकती है, 2px1 2py1 एंड 2pz0। यहां 2p है नहीं। तो देखिए, अगर मैं ये कहूं यहां से कि मेरे पास बेरिलियम है या बोरोन है या कार्बन है, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं? कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक 2px में, दूसरा 2py में है। बोरोन के पास आपको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो कि इसके 2px कक्षक में उपस्थित है। बेरिलियम के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर इन परमाणुओं की बात करें, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत ने बताया था कि किसी परमाणु के पास उसके संयोजकता कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। इस तरीके से यदि हम बात करें, तो बोरोन के पास चूंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह बोरोन एक बंध बनाना चाहिए। इसका मतलब बोरोन परमाणु एक संयोजी होना चाहिए। कार्बन के पास देखिए आप, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक 2px में और एक 2py में। तो इस आधार पर यदि हम बीबीटी के आधार पर कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन को द्विसंयोजी होना चाहिए, क्योंकि वो दो बंध बना सकता है। बेरिलियम है, तो बेरिलियम के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी संयोजकता 0 होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि जो बेरिलियम है वो द्विसंयोजी होता है, बोरोन है वो त्रिसंयोजी होता है, क्योंकि वर्ग 13 में आता है, कार्बन है वो वर्ग 14 में आता है, तो चतुर्संयोजी होता है, चार संयोजकता बना सकता है, चार बंध वो बना सकता है। लेकिन यदि हम बीबीटी की बात कर रहे हैं, तो बीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बोरोन कैसा होना चाहिए? एक संयोजी, परंतु वास्तव में कैसा होता है? त्रिसंयोजी, तीन संयोजकता होती है। कार्बन इस आधार पर यदि बीबीटी के आधार पर देखें, तो होना चाहिए द्विसंयोजी, लेकिन वास्तव में कार्बन होता है चतुर्संयोजी। ऐसे ही
बेरिलियम की बात करें तो इसकी संयोजकता कोई होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसके दोनों ही कक्षक पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन बेरिलियम होता है द्विसंयोजी। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर बीबीटी ने यह बताया था कि जब ये परमाणु बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो वहां पर अवक्रिय ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस अवक्रिय ऊष्मा की वजह से जो संयोजकता कोष में उस परमाणु के संयोजकता कोष में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से युग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है युग्मित, इसका संयोजकता एक कोष ये है, जिस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या समान हो वो संयोजकता कोष, इसका भी संयोजकता कोष ये है, इसका संयोजकता कोष केवल ये है क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जब हम बात करें कि बोरॉन है तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कोष में जितने अयुग्मित है वो तो बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं, ये तो बीबीटी ने कह दिया, लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन भी केवल तब भाग ले सकते हैं जब बंध बनने की क्रिया के दौरान इतनी अवक्रिय ऊष्मा उस परमाणु को मिल जाए कि उसके परमाणु कक्षक में उपस्थित, और वो भी कौन से, संयोजकता कोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए, अयुग्मित हो जाए। किसकी वजह से हो जाए, उस अवक्रिया ऊष्मा की वजह से। और यह अवक्रिया ऊष्मा कहाँ उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण होता है तो बंध बनने की जो क्रिया होती है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा छिपी होती है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। इस वजह से यहाँ इन परमाणुओं के संयोजकता कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉनों को उस अवक्रिया कोष अवक्रिय ऊष्मा की वजह से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अगर ये अयुग्मित हो जाए तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz0। कब, अवक्रिय ऊष्मा से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा ये युग्मित इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से युग्मन टूट जाएगा, इतनी ऊष्मा मिल जाती है कि यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या यहाँ से इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि केवल संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही ऊष्मा अवक्रिय ऊष्मा से उत्पन्न हो पाती है। इस वजह से केवल संयोजकता कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से निकल के एक इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 1s2 तो है ही, 2s1 2px1 पहले से था, 2py1 हो चुका है, 2pz0। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 3, और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह त्रिसंयोजी होगा, 3 बंध बना लेगा। और जो बात बीबीटी ने कही थी वो बात की स्पष्टीकरण यहाँ मिल जाता है कि अवक्रिय ऊष्मा के कारण इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़कर के 3 हो जाती है। जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी ये संयोजकता कोष में इस पूर्ण पूरित कक्षक या युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा और किसमें चला जाएगा, 2pz में। उसके पश्चात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां ये पूरा भरा हुआ है तो यहां से हम लिखेंगे कि 2s1 एंड 2px1। ठीक है, यहां से ही चला जाएगा और आगे हम क्या लिखेंगे, 2py0 2pz0, क्योंकि आपको भी पता है जब हम दूसरे कोष की बात कर रहे हैं तो वहां पर दो कक्षक हमारे पास होते हैं s और p, तो यहां से हमारे पास 2s होगा तो 2p भी होगा जो कि वैकेंट होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा, p में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यह 2 बंध बना लेगा तो ये 2 संयोजी होगा। इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, अवक्रिय ऊष्मा से प्राप्त ऊष्मा के बाद, ये बीबीटी ने बता दिया था कि अवक्रिय ऊष्मा यदि किसी परमाणु को मिल जाती है तो उसके पश्चात उसमें संयोजकता कोष में यदि कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्मित हो जाते हैं, और अयुग्मित हो जाने की वजह से वो जो बंध निर्माण कर रहा था उसके बंधों के निर्माण की जो क्रिया होती है या बंध निर्माण की जो प्रवृत्ति होती है उसकी टेंडेंसी और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कार्बन कैसा होना चाहिए, चतुसंयोजी होना चाहिए, ये बता दिया गया था। लेकिन जब ये चारों कक्षक आपस में मिलेंगे, देखिए sp के साथ मिलेगा, तो आपने वहां पर पढ़ा था कि sp अतिव्यापन होगा, कैसा अतिव्यापन होगा, sp अतिव्यापन होगा। आपने वहां पढ़ा था कि एक होगा ss अतिव्यापन, एक होगा pp अतिव्यापन, ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे।
तो उसके पश्चात जैसे मान लीजिए हमने कहा कि CH4, आपने सबने पढ़ा है कि CH4 में कार्बन पर sp3 संकरण होता है। वो कैसे होता है अभी हम बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह चतुष्फलकीय होता है, कार्बन के साथ ये चारों हाइड्रोजन एक निश्चित बंद कोण के साथ, एक निश्चित बंद लंबाई के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, BBT के अनुसार कार्बन की, तो कार्बन के पास ये चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कब? जब इस कार्बन परमाणु को अवक्रिया ऊष्मा मिल जाती है, तो इसके दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दो पहले से अयुग्मित होते हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास चार हो जाते हैं, तो ये चार बंद बना लेता है। जब हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो सी और चार हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यदि हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसके पास कहां पर है, कार्बन के पास कक्षक कहां पर है, एक है 2s1 में, एक है 2px1, एक है 2py1 और एक है आपका 2pz1। और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1s1 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 और 1s1। यदि हाइड्रोजन इसके साथ मिल रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल रहा है, या यहाँ से मिल रहा है, मान लीजिए इसके साथ मिल रहा है, ये तो है कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, तो यहाँ से कौन सा अतिव्यापन होगा, S अतिव्यापन। ये इसके साथ मिल रहा है, आपस में अतिव्यापन हो रहा है, परमाणु कक्षकों का आपसी संयोग हो रहा है, तो यहाँ से कौन सा अतिव्यापन होगा, SP अतिव्यापन। ये इसके साथ मिल रहा है तो SP अतिव्यापन, ये इसके साथ मिल रहा है तो SP अतिव्यापन। और आपने देखा होगा कि जब मैंने आपसे बात की, एक था हमारे पास SS अतिव्यापन, एक था SP और एक था PP, तो मैंने कहा P कक्षक में हमारे दिशात्मक गुण होते हैं, क्योंकि P कक्षक डंबलाकार आकृति के होने के कारण किसी एक अक्ष पर उपस्थित होते हैं, जबकि S कक्षक कैसे होते हैं, गोलाकार आकृति के होते हैं, इसलिए S कक्षकों में दिशात्मक गुण P कक्षकों की तुलना में कम होते हैं। यदि हम इन तीनों अतिव्यापनों में बात करें, तो मैंने वहां पर क्रम बताया था कि बंध की प्रबलता का क्रम सबसे ज्यादा होगा PP अतिव्यापन में, उसके बाद होगा SP में और सबसे कम होगा SS में। उसका कारण भी मैंने आपको बताया, यहाँ दिशात्मक गुण ज्यादा है, यहाँ पर इसके कंपेरिजन में कम है, और यहाँ सबसे कम है, क्योंकि S कक्षक गोलाकार है और P कक्षक डंबलाकार है। इस आधार पर यदि हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ इन चारों हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा बनाए गए बंध की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। बंध की प्रकृति से मतलब क्या है, बंध लंबाई अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बंध की प्रबलता अलग अलग है, क्योंकि एक तो बंध बन रहा है SS अतिव्यापन से, दूसरा बंध बन रहा है SP अतिव्यापन से। इसका मतलब यह हुआ कि SP अतिव्यापन में दिशात्मक गुण ज्यादा है, अधिक प्रबल बंध बना है किसकी तुलना में, SS बंध की तुलना में, जैसा कि मैंने यहाँ अभी आपको बताया था। इसका मतलब जब CH4 अणु की हम बात करते हैं, तो CH4 में कार्बन के साथ ये जो चारों हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, अर्थात चार कार्बन हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, वो चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध एक जैसे नहीं है, क्योंकि कहीं तो SS अतिव्यापन हो रहा है और कहीं SP अतिव्यापन हो रहा है, और SP अतिव्यापन में दिशात्मक गुण SS अतिव्यापन से अधिक हैं। अतः चारों ही बंध एक ही प्रकृति के नहीं होंगे, उनकी बंध लंबाई अलग होगी, उनकी बंध ऊर्जा अलग होगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, जबकि आप सभी जानते हो, क्योंकि आपने संकरण पढ़ा हुआ है, तो संकरण के आधार पर आप सभी जानते हो कि CH4 जो अणु होता है वो चतुष्फलकीय होता है, वहां पर कार्बन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन एक निश्चित कोण पर, जिसे हम बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट पर अभिविन्यासित होते हैं, और बंध दूरी भी बराबर होती है, बंध लंबाई भी बराबर होती है, बंध कोण भी बराबर होता है। जबकि यदि हम बात करें बीबीटी के आधार पर, जब हम अतिव्यापन के आधार पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात क्लियर स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि यहाँ पर बनने वाले बंध की प्रकृति कैसी है, अलग अलग है, क्योंकि एक बंध SS अतिव्यापन से बन रहा है, तो दूसरा बंध SP अतिव्यापन से बन रहा है, इसलिए बंध ऊर्जा और बंध लंबाई जो है वो अलग अलग है। इसी बात की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक पॉलिंग ने, कि जो CH4 अणु है, उस CH4 अणु में चार कार्बन हाइड्रोजन जो बंध बन रहे हैं, ये चार कार्बन हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकृति के हैं, अर्थात एक जैसे हैं, इन चारों ही बंधों की बंध ऊर्जा और बंध लंबाई सब कुछ बराबर है, को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक पॉलिंग ने संकरण की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था और बताया कि यहाँ पर ये चारों कक्षक आपस में ऐसे अतिव्यापन करेंगे कि बनने वाले जो कक्षक होंगे वो कक्षक
ऊर्जा और दिशा में, दिशात्मक गुणों में समान होंगे और बनने वाले जो बंध हैं उनकी प्रकृति भी समान होगी। उसी परिघटना को हम बोलते हैं संकरण। तो देखिए संकरण को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो संकरण की परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु, जो वैज्ञानिक पॉलिंग ने दी थी और किस लिए दी थी, ये मैंने आपको बताया कि CH4 के अणु में BBT ने जिस आधार पर CH4 अणु की प्रकृति की व्याख्या की और बताया कि चार कार्बन हाइड्रोजन जो बंध बन रहे हैं उनमें SS और SP अतिव्यापन हो रहा है, तो 100% ये बात भी सही है कि SP अतिव्यापन से बना हुआ बंध अधिक प्रबल होगा, SS अतिव्यापन से बना हुआ बंध SP अतिव्यापन की तुलना में दुर्बल होगा। जहां बंध जितना ज्यादा प्रबल होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी, यहां पर बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, इन दोनों की यदि हम तुलना कर रहे हैं। लेकिन पॉलिंग ने यह कहा कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसने इसी क्यों के कारण को स्पष्ट करने के लिए संकरण को प्रस्तुत किया था, संकरण की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हाइपोथेटिकल से मतलब क्या है कि जो हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल चुके थे उन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को क्लैरिफाई किया है। संकरण की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं संकरण को कि किसी परमाणु के संयोजकता कोष के परमाणु कक्षक, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष के समान ऊर्जा, कोई भी परमाणु आपका है, मान लीजिए परमाणु ए है, इस परमाणु ए के संयोजकता कोष, संयोजकता का मतलब, कोष का मतलब है बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष के लगभग समान ऊर्जा, ऐसे कक्षक उस परमाणु ए के संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष के ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा कैसी हो, समान हो, समान ऊर्जा और आकृति कैसी हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे अभी हमने कहा था S और S, इनकी तो आकृति और ऊर्जा समान है, लेकिन S और P ऊर्जा समान है क्योंकि इनका मुख्य क्वांटम संख्या समान है, ऊर्जा लगभग समान है लेकिन आकृति क्या है, भिन्न भिन्न है। तो संकरण की परिभाषा में हम क्या कहते हैं, किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष के ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा समान परंतु आकृति भिन्न भिन्न या समान हो, आपस में मिश्रित होकर, आपस में संयोग करके निश्चित संख्या में जिन कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं वो कक्षक हमारे कहलाते हैं संकरित कक्षक, तथा बने हुए कक्षकों को हम बोलते हैं संकरित कक्षक और इसी परिघटना को हम बोलते हैं संकरण। अर्थात संकरण की परिभाषा कैसे निकल के आई, लास्ट एंड फाइनली हम बात करते हैं किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष के ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो, आकृति भिन्न भिन्न हो, आपस में मिश्रित होकर के समान संख्या में, समान संख्या से मतलब जितने मिल रहे हैं उतने, समान संख्या में समान ऊर्जा, समान ऊर्जा तथा समान आकृति, आकृति तथा समान दिशात्मक गुणों वाले, समान दिशात्मक गुणों वाले, समान संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति एवं समान दिशात्मक गुणों वाले जिन कक्षकों का निर्माण करते हैं उन कक्षकों को हम बोलते हैं संकरित कक्षक और इसी परिघटना को हम बोलते हैं संकरण। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं।